हेलो वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने फाइनल अकाउंट्स के लेजर क्रिएट किए थे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये सब में हमें 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। अभी ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो पहले वो सीख लेंगे। मैं टैली की जो लास्ट टाइम की कंपनी थी वो ओपन कर लेती हूँ। हमारी जो लास्ट टाइम हमने कंपनी क्रिएट की थी फाइनल अकाउंट के लिए, वो मैंने ओपन की है, राइट? तो अभी हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेना है। तो टैली में कैलकुलेटर ऑन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओके, तो हमने क्या किया है, कैलकुलेटर ओपन किया है। अभी हमें 5% निकालना है ऑन कैपिटल। तो कैपिटल इज़ ऑलमोस्ट 8000, ठीक है? तो 8000 स्टार मार्क देना है आपको, मतलब मल्टीप्लिकेशन 5%। अमाउंट इज़ 400, तो 400 क्या आया है, हमारा अमाउंट आया है, राइट? तो वैसे ही 10% डेप्रीशिएशन भी मशीनरी पे निकाला है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो चारों लेजर्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीशिएशन, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड प्रीपेड रेंट, ये हमें क्रिएट करने हैं, लेजर्स क्रिएट करने हैं, राइट? तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं और वही सेम टाइम पे हम लेजर्स भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो हमें क्या करनी है, F7 वाउचर में करनी है। तो वाउचर में जाके पहले हम कैलकुलेटर ऑफ करते हैं। वाउचर में जाके F7 करना है, ठीक है? तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो वाउचर में से ही आपको लेजर क्रिएट करना है। तो वो फील्ड में आपको Alt+C प्रेस करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये जो होता है वो हमारे कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन नॉट एप्लीकेबल, एंटर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल में से हम लेस करते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट लेना है, राइट? तो जो जो आइटम हम लेस करते हैं वो डेबिट साइड लेना है, और जो आइटम्स हम ऐड करते हैं वो क्रेडिट साइड लेना है, ठीक है? तो कैपिटल का एंट्री हो गया है, ठीक है? देन नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एट 10%, मतलब मशीनरी पे हमने क्या किया है, 10% निकाला है, ठीक है? तो डेप्रीशिएशन भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, राइट? तो डेप्रीशिएशन का भी लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अमाउंट इज 500, फ्रॉम मशीनरी से डिडक्ट करना है, तो मशीनरी से हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड रेंट प्रीपेड। अभी आउटस्टैंडिंग वाले जो एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? तो जो भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो एक हम ऐड करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, राइट? और प्रीपेड का कैसा होता है, जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, हम लेस करते हैं, राइट? तो जो भी आइटम्स ऐड होते हैं वो क्रेडिट साइड शो होते हैं, और जो आइटम लेस होते हैं वो डेबिट साइड शो होते हैं, राइट? तो अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होता है वेजेस में, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस इज लाइबिलिटी फॉर अस, मतलब हमने अभी तक वेजेस किसी को दिए नहीं हैं, ठीक है? तो वो पे करना बाकी है, तो वो लाइबिलिटी में आएगा। और प्रीपेड रेंट, मतलब जो रेंट था वो हमने पहले ही भर दिया है, तो वो क्या आएगा, प्रीपेड रेंट में आएगा, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट लेंगे, 70 रुपीज़, इट्स 70, ओके। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे अंडर करंट लायबिलिटी। देन है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का भी हमें लेजर क्रिएट करना है, विदाउट अमाउंट ही लेजर्स क्रिएट करना है सब। ये ग्रुपिंग आएगा करंट असेट्स, 50 रुपीज़, फ्रॉम रेंट मतलब रेंट में से डिडक्ट करने हैं। अभी हमारी चारों जो एडजस्टमेंट एंट्रीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन और एक बाकी है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला जो बैलेंस होता है वो हमें ओपनिंग स्टॉक में अल्टर करना होता है। तो अल्टर में जाके लेजेस में हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को अल्टर करना है। यहाँ पे 31 मार्च डालना है और 8500 हमेशा ऐसे ही करना है। अभी हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ओके तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो टैली हो चुका है। हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली हो चुका है क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं। यस हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो चुका है। जो एस्पेक्ट्स जिस जगह पे दिखने चाहिए थे वो एस्पेक्ट्स वो जगह पे दिख रहे हैं। ओके सो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।